विपुल, कुछ पता चला है क्या? विपुल, तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? कुछ पता चला है ना? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं भी तो परेशान हूँ ना, मुझे बताओ। देखो किरण, मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ। तुम ऊपर जाओ। किरण रुको, दरवाजा मैं खोलूंगा। नहीं विपुल, दरवाजा मैं खोलूंगी। तुम अंदर जाओ, ऊपर जाओ। विपुल, दरवाजा मैं खोलूंगी। प्लीज किरण, जिद मत करो। तुम जिद करोगी ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जाओ। क्यों परेशान कर रहे हो तुम? मिठाई है, खा नहीं है? मैं जानती हूँ कि मिठाई नहीं है, कुछ और है, मुझे बताओ। बेकार का शक करना छोड़ो और जाओ अपने कमरे में। चलो 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 ऊपर चलो। अरे चलो विपुल, विपुल दरवाजा खोलो, विपुल खोलो। हेलो, हाँ हाँ, तुम्हारा तोहफा मिल गया मुझे। क्या, कहाँ? ज्वाला रोड। लेकिन वहाँ क्यों? नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। नहीं, मैं पहुँचता हूँ। हाँ, बस निकल रहा हूँ। हाँ हेलो, मैं ज्वाला रोड पहुंच गया हूँ। क्या, हटॉक की तरफ? ओके। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर पहुंच गया हूँ। क्या बोल? हाँ, लाल टोपी वाला आदमी बाइक के पास। हाँ है, बाइक के पास खड़ा है। हाँ क्या, उसे गोली मार दो। मैं तो गोली नहीं मार सकता प्लीज। देखो तुम जो भी करोगे मैं करूँगा, पर लेकिन गोली मैं नहीं मारूंगा उसको। प्लीज ऐसा मत करो। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हाँ, कभी बात नहीं करूँगा। ठीक है चला रहा।
जाओ उसे। सर पेट में गोली लगी है। हो क्या गया इस शहर को, दिन दहाड़े एक औरत को गोली मार दी। मुजरिमों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली? आप में से किसी ने कुछ देखा? साहब एक आदमी वहाँ खड़ा था, उसके हाथ में गन था और वहाँ एक दूसरा आदमी खड़ा था जिसे वो गोली मारना चाहता, और इसी बीच में औरत आ गई और गोली उसे लग गई। अच्छा, ये औरत यहाँ इसी इलाके में रहती है क्या? नहीं साहब, ये औरत को हमने पहले कभी इस इलाके में देखा ही नहीं। और वो गोली चलाने वाला? नहीं साहब, उसे भी हमने कभी नहीं देखा। और ऐसे कोट शॉर्ट पहन के अमीर आदमी यहाँ नहीं आते सर। अमीर इंसान यहाँ पे? अच्छा, जिस पे वो गोली चलाने वाला था उसे पहले कभी देखा यहाँ पे? नहीं साहब। ठीक है, दोनों का चेहरा तो याद है। जी सर। एक काम करिए, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करिए, ठीक है? सर मुझे तो ये आपसी दुश्मनी का मामला लग रहा है। हाँ सर, खूनी ने उस आदमी को यहाँ बुलाया होगा और मौका देख के उसे मारने की कोशिश की होगी, और तब ये औरत बीच में आ गई और गोली इसे लग गई। हाँ, मगर ये औरत यहाँ पे आई क्यों? उस आदमी को बचाने के लिए? क्या इसे पहले से मालूम था यहाँ पे गोली चलने वाली है? और फिर कोई अमीर आदमी खुद सड़क के बीचों बीच किसी पे गोली चलाएगा, ऐसा जरा मुश्किल है। वो तो किसी को हायर करेगा, किसी प्रोफेशनल किलर को पैसे देगा गोली चलाने के लिए। एक काम करो, इस औरत की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, पता तो चले ये रहती कहाँ पे है। मुझे कहाँ जा रहे हो? और इस बैग में क्या है? तुम कहीं नहीं जाओगे, जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हो। बताओ मुझे किरण, तुम्हारे हितेश ये देखो, तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है, संभालो इसे। भाभी भाभी शांत हो जाइए प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स, मुझे बताओ तुम्हारा भाई आ गया ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी अब तब ठीक है ना? कहिए तो आपके पैर दबा दूं। इरा, अरे अब इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? मैं तो बस भाभी की सेवा करना चाहती थी। विपुल कहाँ गया? कहाँ चले गए? देख लिया ना आप लोगों ने, ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं बताते, सब अपनी मनमानी करते हैं, ये भी नहीं सोचते एक माँ के दिल पे क्या बीतेगी। देखो किरण,
मैं विपुल को जानता हूँ, बहुत ही सेंसिबल और समझदार आदमी है। वो जो भी करेगा ना, इस घर की भलाई के लिए करेगा। तुम टेंशन मत लो। क्या गजरा मर गई? बड़ी अच्छी औरत थी वो, जिंदगी में कभी उसे खुशी नसीब ही नहीं हुई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? उसका पति एक नंबर का निकम्मा है, खुद तो कुछ काम धाम करता नहीं है, और जैसे तैसे गजरा जो कुछ भी कमा के लाती थी सब कुछ शराब में उड़ा देता है। इसीलिए गजरा को चोरी की भी लत लग गई थी। ऐसे पतियों की तो भरे बाजार में धुलाई करनी चाहिए। देखो वो आ गया। वो क्या हो गया ताई? मेरे घर के आगे इतना मेला क्यों है? गजरा का खून हो गया है और ये लोग सीआईडी से हैं। गजरा का खून हो गया, बहुत बुरा हुआ। अरे मेरे शराब का बंदोबस्त कौन करेगा? अभी भी शराब की पड़ी है तुझे? अपने बीवी के मरने का कोई गम नहीं है? सर ऐसा डांटो मत, अपना बहुत इज्जत है इधर। जरा स्केच दिखाओ इसे। ये देखो, ये दोनों में से किसी को पहचानते हो? क्या साहब, ये दो थोड़े हैं तो चार है, चार। सर लगता है इसका नशा उतरा नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, कितने हैं ये? दो है सर। दो पहचानता है? नहीं। उधर खड़ा हो जा, उधर जा। आप लोग पहचानते हैं? हाँ साहब, इसको जरूर देखा है, कई बार गजरा से मिलते हुए। तो गजरा जानती थी इस आदमी को? इसका नाम मालूम है आपको? नाम पता तो मालूम नहीं है सर। क्या इसने खून किया है? नहीं, इस दूसरे वाले ने। नहीं सर, नहीं देखा इसको, इसको जरूर देखा है। जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता, इसकी जान को खतरा है। हाँ निखिल, पता चल गया, विपुल नाम है उसका। ठीक है, एड्रेस मैसेज करो। आजकल से बच्चे आ ही नहीं रहे, जरा भी स्वाद नहीं है इनमें। इरा यहाँ सब परेशान है और तुम्हें सेब की पड़ी? अरे बाबा मजाक कर रही थी। विपुल, विपुल आ गए, विपुल आ गए। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। आप लोग सीआईडी, ये विपुल का घर है ना? विपुल आपके पास आए थे क्या? वो हमारे पास क्यों आएंगे? हम आए उनके पास उन्हें गिरफ्तार करने। गिरफ्तार? गिरफ्तार करने? किस जुर्म में? जुर्म उनके मुंह से ही सुन लेना। कहाँ है, बुलाओ जरा। वो घर पर नहीं है। अच्छा, अक्सर मुजरिम घर पे ही नहीं होते हैं। जरा चेक करना ना। अरे आप इस तरह घर की तलाशी नहीं ले सकते। आप चाहें तो हमारे ऑफिसर के साथ रह सकते हैं। वैसे आप लोग हैं कौन? मेरा नाम हितेश है, ये मेरी बहन किरण है, विपुल की वाइफ, और ये मेरी वाइफ मीनू है। मैं संकेत, विपुल का छोटा भाई, और ये इरा मेरी वाइफ। सर ये लोग ठीक कह रहे सर, विपुल घर पे नहीं है। सर प्लीज अब तो बताइए कि आप क्यों ढूंढ रहे हैं विपुल को? आप लोग जरा ये फोटो देखिए, इस औरत को पहचानते हैं आप? कौन है ये? गजरा नाम है इसका, विपुल ने इसका खून कर दिया है। क्या? खून कर दिया है? नहीं, विपुल ऐसा नहीं कर सकते, विपुल कभी किसी का खून नहीं कर सकते। मारना तो वो मंगेश को चाहता था, लेकिन गलती से ये मारी गई। अब शायद विपुल मंगेश के पीछे गया है। पर ये मंगेश कौन है? इसे जानते हैं? एक्चुअली करीब 15 साल पहले। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए
यह साबित हो गया कि मंगेश एक खूनी है और अदालत उसे 15 साल की सजा सुनाती है। पर सर विपुल का उस मुजरिम मंगेश से क्या लेना देना? अब ये तो विपुल ही बताएगा। सर आपकी कोई गलत फहमी हो रही है, मेरा भाई इस हालात में ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकता। हालत किस हालत की बात कर रहे हैं आप? किस हालत की बात कर रहे हैं? चल क्या रहे हैं यहां पे, क्या छुपा रहे हैं आप लोग? मैं बताती हूँ सर, दरअसल 10 दिन पहले विपुल भैया और किरण भाभी की बेटी रोशनी का किडनैप हो गया था। क्या? कैसे कैसे किडनैप हुई है? सर वो रोशनी काम से लौट रही थी और लौटते वक्त उसको किसी ने किडनैप कर लिया। ओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई आपने? नहीं सर, किडनैपर्स ने कहा था अगर हम पुलिस वालों या सीआईटी की मदद लेंगे तो वो रोशनी को मार देंगे। यही तो गलती करते हैं आप जैसे लोग, कानून से ज्यादा मुजरिम में भरोसा करते हैं। सर कहीं विपुल ने यह खून किडनैपर्स के कहने पे तो नहीं किया? हो सकता है, जरा विपुल को फोन नंबर देना। फोन बंद आ रहा है। रोशनी के पास फोन है? सर ये फोन भी बंद आ रहा है। पंकज मोबाइल कंपनी से पता करो इन दोनों का फोन बंद होने से पहले आखिरी लोकेशन कहाँ पे थी, कहाँ काम करती थी ये रोशनी? सर फ्यूचर एक्स बीपीओ कॉल सेंटर। फ्यूचर एक्स बीपीओ, ठीक है। दिव्या। यस सर। घर वालों पे जरा नजर रखो। सर क्या कहा आप लोगों? खूनी मतलब विपुल जब मंगेश को गोली मार रहा था तब गजरा उसके 5-7 फीट की दूरी पर खड़ी थी। सर आप ये सुनकर इतना हैरान क्यों हो रहे? अभिजीत गया था ना क्राइम सीन पर, इंटेलिजेंट ऑफिसर, फिर ऐसी गलती कैसे हो गई उससे? अभिजीत एक इंसान है और गलतियां इंसान से होती हैं। अब तू बता ना क्या गलती की है अभिजीत ने? देखो बॉस, गजरा को गोली यहां कमर के दाईं तरफ लगी है, तो अगर कमर के एक मिनट पूर्वी जरा यहां आओ, कम यहां खड़े हो जा मेरे सामने। देखो बॉस, अगर ये गजरा है तो गोली इसके दाईं तरफ यहां लगी, इसका मतलब जिसने भी गोली चलाई वो इसके सामने ऐसे खड़ा नहीं रह सकता है, राइट? यहां गोली लगी है इसका मतलब खूनी उन्हें यहां खड़ा होगा और यहां से गोली मारी होगी उसने। और दूसरी बात ये कि गोली कम से कम 50 फीट की दूरी से चली है, ना कि 5-7 फीट से। मगर वहां मौजूद लोग तो यही बता रहे थे कि विपुल गजरा के ठीक सामने खड़ा था, करीब 5 फीट की दूरी पर। तो भैया इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, या तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब झूठ बोल रहे हैं, या फिर विपुल खूनी नहीं। मतलब विपुल ने गोली नहीं चलाई। सर अगर विपुल ने गोली नहीं चलाई तो वो भागा क्यों? भागने की एक ही वजह हो सकती है पूर्वी, वहां के मौजूद लोगों को लगा होगा कि गोली विपुल ने चलाई, लोग उसके पीछे लगे पकड़ने के लिए, तो डर के मारे विपुल वहां से भाग गया। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना चाहिए कि विपुल इस वक्त है कहां। Thank you.
रोशनी 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 हटो भाई साहब सॉरी रोशनी रोशनी बैग लेकर चली गई रोशनी किडनैप हुई है या उसने खुद की किडनैपिंग को प्लान किया है क्या करूं मैम उस मैम सॉरी आप ठीक है ठीक कैसे होंगे आपके वजह से टक्कर खा के गिर गई मैं यहाँ वैसे आप इतनी तेजी से कहाँ जा रही थी हुआ क्या है आपसे मतलब लड़की देखी नहीं और आगे लाइन मारने मैडम आप गलत समझ रही हैं हम लोग सीआईडी से हैं ओ ओ सॉरी सर वो क्या है ना वो अंकुर मैं अंकुर से भाग रही थी कौन है अंकुर वो अंकुर मेरे मैनेजर हैं वो बहुत ही पकाऊ और चिपकू किस्म के हैं आ गए वो अरे प्रिया मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ यहाँ क्या कर रही हो तुम हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं हम लोग सीआईडी से हैं सीआईडी जी क्या क्या हुआ सर ये लड़की रोशनी एसी कॉल सेंटर में काम करती है ना नहीं सर आपसे किसने कहा रोशनी के घर वालों ने नहीं सर इस लड़की को तो मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा और रोशनी नाम की लड़की हमारे कॉल सेंटर में कभी एम्प्लॉय रही नहीं जरा आप देखिए नहीं सर सर कहीं रोशनी के घर वालों ने हमसे झूठ तो नहीं कहा और ये भी हो सकता है कि रोशनी ने अपने घर वालों से झूठ कहा मगर क्यों हेलो गुड थैंक यू सर विपुल का फोन ट्रेस हो गया श्यामनगर में श्यामनगर चलो मंगेश तू विपुल अरे ये क्या कर रहा है मरने के लिए तैयार हो जा मंगेश क्या तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है तुझे मारने आया हूं मैं नीचे कर गन भाई साहब प्लीज यहाँ पर हंगामा मत करो अपनी गन नीचे रखो वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा पुलिस को बुलाने की धमकी मुझे मत देना वरना दो तीन लाशें और यहीं गिरा दूंगा अरे यार विपुल मैं तेरा दोस्त हूँ मुझे क्यों मार रहे है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मंगेश सिर्फ मैं तुझे मारने आया हूँ सर विपुल का नंबर अंदर ही दिखा रहा है सर अंदर की तरफ गुड बाय गोली किसे चलाई सर सर एक आदमी आया और इसे गोली मारकर उधर भाग गया कौन सर ओह नो ये तो मर चुका है तो किडनैपर ने इस विपुल से मंगेश का फोन करवा ही दिया एक काम करो मेरा बाहर जितने लोग हैं सबको अंदर बुलाओ यस सर क्या यही था आदमी जी सर यही आदमी था सर इस आदमी ने जब इसे गोली मारी उससे पहले इनकी आपस में कोई बातचीत हुई थी किसने कुछ सुना था हाँ जी सर सर ये आदमी जान की भीख मांग रहा था और वो आदमी इसे गोली मारकर चला गया उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई सर हैरानी की बात तो यह है कि दोनों दोस्त हैं सर क्या हाँ सर विपुल और ये मंगेश दोनों दोस्त हैं जी सर 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 विपुल पीछे के रास्ते तो भाग गया सर भाग गया ये
ये फोटो देखिए, इस लड़की को जानते हैं आप लोग? रोशनी नाम है इसका। सर ये क्या कह रहे हैं, इसका नाम रोशनी नहीं है, इसका नाम संगीता है। ये भी हमारी तरह यहीं पे वेट्रेस का काम करती है। संगीता? कहाँ है ये संगीता, बुला जरा उसे। संगीता, संगीता, संगीता। सर वो तो चली गई। चली गई? सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे अमीर घर की लड़की संगीता ऐसी जगह आकर वेट्रेस का काम क्यों करेगी? जब वो लड़की किडनैप हो गई थी तो ये यहाँ कैसे आई? किडनैपर खुद उसे यहाँ लाया था? कोई तो राज है सबके पीछे। अच्छा ये संगीता कहाँ रहती है? सर ये धनबाद चौल में रहती है। धनबाद? सर गजरा भी तो धनबाद चौल में रहती है। ये देखिए, इस औरत को पहचानते हैं आप? गजरा नाम है इसका। सर ये यहाँ कभी नहीं आई। नहीं नहीं, ध्यान से देखिए। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इस गजरा और रोशनी के बीच में। धनबाद चौल। ये फोटो देखिए आप लोग, इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ साहब, ये गजरा के रिश्तेदार है, कुछ दिन पहले ही आई थी गांव से इसके साथ रहने के लिए। अच्छा, यहाँ कोई और भी आता था क्या इससे मिलने के लिए? नहीं सर, और तो कोई आता जाता नहीं था। ये मुंबई में किसी को जानती नहीं थी तो सिर्फ गजरा के साथ ही रहती थी। सर मुझे लगता है कि किडनैपर ने जानबूझ के रोशनी को रखा होगा गजरा के पास, उसे लगा होगा कि ये एकदम सुरक्षित जगह है। सर किडनैपर और कोई नहीं, मंगेश ही है सर, और गजरा और मंगेश दोनों साथ में मिले हुए इस अपराध में। आप किस अपराध की बात कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर आएंगे। थैंक यू। क्या होता जा रहा है, अगर मंगेश ने रोशनी को किडनैप किया था तो वो विपुल को डॉग पे बुलवा के खुद पे गोली कौन चलवाएगा? सर अगर मंगेश और गजरा मर चुके हैं तो फिर विपुल और रोशनी घर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? विपुल डर गया होगा सर, उसे पता होगा वो घर गया तो गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ लेकिन रोशनी अगर किडनैप हो गई थी तो बार में कैसे पहुंची, और फिर उसने किसी को फोन क्यों नहीं किया मदद के लिए? विपुल और मंगेश, जरा इनकी कुंडली निकालो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे साथ? तुम इतनी मासूम हो कि तुम किसी का कैसे कुछ बिगाड़ सकती हो? तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले बाप बेटी से तो मिल ले, वो देख। पापा, रोशनी। क्यों, अच्छा लगा ना मेरा सरप्राइज? खोल दो पट्टी, बाप की आंखों की चमक देखना चाहता हूं मैं। ठीक तो है ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, और आप? बेटा तेरा हाल मेरे पापों की सजा, मेरे पापों की सजा मिल रही है। प्लीज पापा मत रोइए आप। मैं क्यों रो रहा हूँ, तू तो मिल गई है ना सही सलामत, चल घर चलते हैं। है खोल। तूने किया ये सब? छोडूंगा नहीं मैं तुझे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से नहीं। ना तुम जाओगे और ना तुम्हारी बेटी यहां से जाएगी, समझ गए? तुझे झंडो नहीं छोडूंगा मैं कभी। क्या रोशनी किरण की बेटी नहीं है? सर ये किरण विपुल की दूसरी पत्नी है, और रोशनी की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी, और दो साल बाद किरण और विपुल इन दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अच्छा तो ये बात है। सर ये आराधना जी, मंगेश की पत्नी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है?
घबराइए मत आराधना जी, बस हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल सर? आराधना जी, आपको तो पता है कि आपके पति मंगेश 15 साल से जेल में थे, है ना? मगर उन 15 सालों में हर महीने कोई तो उनके बैंक के खाते में 50,000 रुपये जमा करता था, हर महीने 50,000 रुपये। कौन जमा करता था ये पैसे? वो बताइए। हाँ वो सर वही आदमी जिसका जुर्म भी मंगेश ने अपने सर ले लिया था। मतलब ये सर कि मंगेश खून के इल्जाम में जेल जरूर गया था, लेकिन उसने ये खून अकेले नहीं किया, उसके साथ एक और साथी था जिसका जिक्र उसने अदालत में नहीं किया। अगर मंगेश ने अदालत में उसका नाम नहीं बताया तो अब आप हमें बताइए उस आदमी का नाम क्या था। उस आदमी का नाम वो, हाँ बताइए। वो सर वो रोशनी। अरे भाभी बहुत जल्दी आपका हंसता खेलता परिवार फिर से एक हो जाएगा। इनके हंसते खेलते परिवार का एक हो पाना थोड़ा मुश्किल है। सीआईडी ऑफिसर होके सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप विपुल और रोशनी को सही सलामत वापस लेके आएंगे यहाँ पर। उन्हें तो हम वापस लाएंगे ही, लेकिन किरण जी के बगैर ये हंसता खेलता परिवार जरा अधूरा रह जाएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ सर? आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह जा रही हैं, जिसका नाम जेल है। जेल? मैं जेल क्यों जाऊंगी? बंद करो ये ड्रामा। अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोग कि अपनी सौतेली बेटी रोशनी को तुमने किडनैप करवाया है विपुल से बदला लेने के लिए। सर जुबान संभाल के बात कीजिए, आप मेरी बहन पे कोई घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हैं। लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि तुम एक मुजरिम के भाई हो। सर आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं भला विपुल के साथ ये सब क्यों करूंगी? बदला लेने के लिए अपने पिता के खून का, जिनकी 15 साल पहले मंगेश और विपुल ने जान ले ली थी। क्या मेरे पिता को विपुल ने मारा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर, कह दीजिए कि ये झूठ है, कह दीजिए। किरण खुद को संभालो प्लीज। भाभी क्या आप सच में एक्टिंग कर रही है? आपने अपनी बेटी रोशनी को बस इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए ना ऑफिसर, हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, पूरा परिवार हाथ धो के पीछे पड़ा है मेरे। आप घबराइए मत जी, सीआईडी अच्छी तरीके से जानती कि कौन ड्रामा कर रहा है और कौन सच बोल रहा है। क्या सबूत है आपके पास? ये सब कुछ मैंने किया है और मैं झूठ बोल रही हूँ, बोलिए। 2 घंटे लगेंगे, सबूत भी सामने आ जाएगा और हथकड़ी भी। भाभी सर ये क्या किया आपने? सर अगर 2 घंटे में किरण यहाँ से भाग गई तो? अगर 2 घंटे में हमें सबूत नहीं मिला तो? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि मुजरिम खुद हमें सबूत तक लेके जाएगा। सबूत तक पहुंचने की रेस शुरू हो गई, लेट्स गो। बस थोड़ा दूर ही रहो दुष्यंत, पास मत जाओ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग लगे हैं इसके पीछे। सर अगर इस किरण को अपने पिता की मौत का बदला लेना ही था तो हमारे पास भी आ सकती थी, अपनी खुद की बेटी को अगवा करा के तो उसने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ना सिर्फ अपनी बेटी को अगवा कराया
बल्कि अपने पति के ही हाथों मंगेश का भी खून करवा दिया। बदले की आग में लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। अब देखना यह है कि इसका आखिरी बार कहीं रोशनी की जान न ले ले। कैसे भी करके उसे बचाना होगा। अरे ये गाड़ी कहाँ चली गई? दुष्यंत जरा तेज चलो। उम्मीद है बाप बेटी को अच्छा खासा वक्त मिल गया होगा एक दूसरे से बातें करने के लिए। अब आखिरी घड़ी आ गई है, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मैंने तुम पर कितने एहसान किए, भूल गए सब? तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, उसका ये सिला दे रहे हो तुम? अरे किस मिट्टी के बने हो? एक ऐसी मिट्टी का बना हूं जिस मिट्टी का इंसान कभी अपना अतीत नहीं भूलता। मुझे अच्छी तरह याद है कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे यह भी अच्छी तरह याद है कि तूने मेरे पिता के साथ क्या किया था। तो मुझे मार डालना, मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को क्यों? क्योंकि इस बात का एहसास मैं तुझे दिल से कराना चाहता हूं कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। इसलिए आज मैं तेरी बेटी को पहले मारूंगा। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। खेल तुम्हारा खत्म, आगे का खेल अब सीआईडी खेलेगी। खेल तो अभी शुरू हुआ ऑफिसर। एक मेरी तरफ से सीआईडी से भाग के कहां जाएगा है? ऑफिसर मैंने ये जो भी किया सिर्फ बदला लेने के लिए किया। विपुल ने ना सिर्फ मेरे पिता का खून किया बल्कि मेरी बहन किरण को ड्रग्स के नशे की आदत लगा दी। हाँ, ताकि उसकी सारी जायदाद मैं अपने नाम कर सकूं। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पापा हो। लालच की कोई सीमा नहीं होती। 15 साल पहले तुमने चोरी की, उस चोरी में हितेश और किरण के पिता का खून किया और अब किरण से शादी करके सारी जायदाद अपने नाम कर ली तुमने। और मैं इतने सालों से कठपुतली की तरह जी रही हूँ।
और भैया आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारा जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता, इसलिए इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारा इंसाफ खुद ही करूंगा। ऐसा इंसाफ मामा जी जो कि आप मेरी जान लेना चाहते थे। नहीं, मेरा मकसद तो सिर्फ विपुल को तकलीफ पहुंचाना था। गजरा का खून क्यों किया तुमने? ऑफिसर, मैंने गजरा को रोशनी के साथ रहने का काम सौंपा था। मगर मैंने ही गजरा को ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था कि वो पापा को जाके रोके कि वो किसी का खून ना करे। और उससे पहले वो विपुल तक पहुंच पाती, मैंने मैंने गजरा का काम तमाम कर दिया। तुम दोनों खूनी हो, खून किया है तुम लोगों ने। कानून इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा, शायद फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.